सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आठवीं कक्षा में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि व्याकरण भाग के बारे में, जैसे कि आपने सातवीं कक्षा में व्याकरण के बारे में पढ़े हो, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द और प्रेरणार्थक शब्द और लिंग और वचन बदलाई और गिनती भी आप सभी सीखे हो। तो यहाँ पर आठवीं कक्षा में आपको व्याकरण के मुताबिक, व्याकरण में विलोम शब्द आएंगे, समानार्थक शब्द आएंगे, प्रेरणार्थक आएंगे, जैसे कि क्रिया देते हैं और प्रथम प्रेरणार्थक शब्द लिखिए और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद वचन बदलाइए, एक शब्द देकर इसे अन्य वचन रूप में लिखिए, ऐसे देते हैं। तो आठवीं कक्षा में जो आपका व्याकरण भाग है वह है विलोम शब्द, समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द और प्रेरणार्थक और लिंग वचन और यहाँ पर पत्र और निबंध। फिर नवीं और दसवीं कक्षा में जो आपका व्याकरण भाग है वह नवीं कक्षा में संधि है और दसवीं कक्षा में समास है। तो यहाँ पर आठवीं कक्षा में जो व्याकरण भाग आएगा उसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताई थी। तो पिछली कक्षा में आपको विलोम शब्द कैसे लिखा जाता है और पर्यायवाची किसे कहते हैं, जबकि आपके सातवीं कक्षा में इसे समानार्थक शब्द कहते थे। जो एक शब्द का समान शब्द होता है उसे हम समानार्थक कहते थे, वही हम समानार्थक को ही यहाँ पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यह आपका जो व्याकरण है इसे मैंने आपके पिछली कक्षा में बताई थी। तो आज हम पत्र के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको पत्र पूछा जाता है, आठवीं कक्षा में आपका एक पाठ है छुट्टी पत्र। यहाँ पर आपको छुट्टी पत्र पांच अंक के लिए प्रश्न आएगा। छुट्टी पत्र यह आठवीं, नवीं और दसवीं कक्षा में यह पत्र आपको प्रश्न के रूप में आएगा। तो इसे पांच अंक है यहाँ पर। जैसे कि हम कन्नड़ में रजे पत्र देखते हैं, इंग्लिश में लीव लेटर देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम छुट्टी पत्र हिंदी में, और आपको इंग्लिश और कन्नड़ विषय में अलग अलग पत्र परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है छुट्टी पत्र एक आपको पूछते हैं, इसके साथ और एक पत्र आपको पूछते हैं, और देकर अथवा देकर आपको दूसरा पत्र भी पूछते हैं, लेकिन छुट्टी पत्र भी यह एक आपको जरूर पूछते हैं। दसवीं कक्षा में छुट्टी पत्र यह जो पत्र पांच अंक के लिए देते हैं, इसके साथ और एक जो पत्र आपको पूछा जाता है, जैसे कि 1000 रुपए मांगते हुए शैक्षणिक प्रवास के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए और अपने पढ़ाई के बारे में बताते हुए अपने माताजी को एक पत्र लिखिए, ऐसे पत्र पूछते हैं। इसके अलावा और जो व्यवहारिक पत्र है वो ज्यादा यहाँ पर नहीं पूछते आपके हिंदी विषय में। ज्यादा से ज्यादा छुट्टी पत्र, माताजी को पत्र, पिताजी को पत्र या दोस्त को पत्र या सहेली को पत्र, ऐसे पूछते हैं। लेकिन छुट्टी पत्र के साथ ही दूसरा जो एक प्रश्न देते हैं वो ना दूसरा पत्र पूछते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम छुट्टी पत्र देखेंगे। यहाँ पर जब छुट्टी पत्र आपको प्रश्न आएगा, तो यहाँ छुट्टी पत्र का प्रश्न ऐसे आएगा कि मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं, यही कारण देकर अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखिए। यानी या तो ऐसे प्रश्न आएगा कि आपके भाई के शादी में भाग लेने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने कक्षा अध्यापक को एक पत्र लिखिए। छुट्टी पत्र में या तो कक्षा अध्यापक को लिखना है या तो प्रधान अध्यापक को लिखना है। तो विद्यार्थियों, जब कक्षा अध्यापक को लिखना है तो हम सेवा में डालकर कक्षा अध्यापक डाल के लिखते हैं। अगर वो प्रश्न प्रधान अध्यापक को पूछे जाएंगे तो हम प्रधान अध्यापक का विलास डालकर प्रधान अध्यापक को लिखते हैं। अगर छुट्टी आपके तबीयत ठीक नहीं है यही कारण देखकर लिखिए, ऐसा प्रश्न पड़ेगा तो आप मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसी कारण आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें, ऐसे पत्र अपने प्रधान अध्यापक को लिखिए। प्रश्न जैसे पूछा जाता है वैसे ही आप क्या कीजिए,
उसका उत्तर लिखना चाहिए। अगर आपको तबीयत ठीक नहीं, यही कारण देखकर एक पत्र लिखिए, यह प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर में मैं अपने बहन या भाई के शादी में भाग लेने के कारण ऐसा मत लिखिए। जो आपको प्रश्न आता है वही यहाँ पर उत्तर के रूप में पत्र लिखना जरूरी है, यह आप आपके दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर हम प्रधान अध्यापक को या कक्षा अध्यापक को जैसे प्रश्न आता है वैसे हम क्या करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। पत्र लिखना बहुत जरूरी है, पत्र सीखना और पत्र लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा में 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं। जैसे आप पत्र लिखते हैं वैसे अंक कटा करके आपको अंक दिया जाता है, जैसे कि आपका विलास और प्रधान अध्यापक का विलास और विषय और जो विषय का विवरण रहता है उसे, और आप जो धन्यवाद सही डालते हो उसे, और आप अंत में लिखते हैं कि आपके आज्ञाकारी छात्र उसे, और यहाँ पर दिनांक और स्थल इतना लिखेंगे तो आपको 5 अंक जरूर पड़ेंगे। तो आपका जो यहाँ पर पाठ दिया है उसका नाम है छुट्टी पत्र, तो उसी में भी यही पत्र दिया है, तो विद्यार्थी देखिए यह जो है छुट्टी पत्र है। अगर छुट्टी पत्र लिखना है तो आप पहले पूरे एक आपका जो पुस्तक का पेज रहता है, आपके जो बुक का पेज रहता है उसमें एक पेज लेकर सिर्फ उस एक पेज में ही लिखिए, जैसे कि आप उधर थोड़ा इधर थोड़ा ऐसा मत लिखना, आपका जो पूरा एक पेज रहता है उस पेज में ही लिखे तो यह पत्र भी अच्छा दिखेगा और आपको अंक भी जरूर पड़ेंगे। तो हम छुट्टी पत्र लिखते समय पहले प्रेषक डालते हैं, जैसे कि हम कन्नड़ और इंग्लिश में एक ही तरफ क्या करते हैं, विलास, हमारा विलास, उसके नीचे प्रधान अध्यापक का और उसके नीचे जो पत्र लिखते हैं। लेकिन हिंदी में हम क्या कहते हैं, जो प्रेषक है इसे हम क्या कहते हैं, कन्नड़ में रिंद और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉम। जो हम लिखते रहते हैं उनका यहाँ पर डालना है, तो हम यहाँ उसे क्या कहते हैं, हिंदी में प्रेषक कहते हैं, कन्नड़ में रिंद कहते हैं और इंग्लिश में वहां पर फ्रॉम कहते हैं। तो यहाँ पर जो नाम है, यहाँ पर हमने उदाहरण सुधा लिखा है, सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर। तो यहाँ पर जो पत्र लिख रही है वह सुधा लिख रही है, तो प्रेषक डालकर नीचे रहता है तो अपना नाम लिखे, उसके नीचे आपका जो कक्षा है वो लिखिए, उसके नीचे आपका जो पाठशाला है उसका नाम और उस जहाँ पाठशाला है उस गांव का नाम लिखना है। तो यह सुधा पत्र लिख रही है, तो सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर, यह जो है जो पत्र लिख रहा है उसका विरासत है। फिर इधर आकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेवा में लिखते हैं, जिसे लिख रहे हैं कन्नड़ में हम क्या कहते हैं, रिगे, इवर रिगे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, टू। हम किसे लिख रहे हैं, या तो कक्षा अध्यापक, या तो प्रश्न जैसे प्रधान अध्यापक पढ़ता है प्रधान अध्यापक, या तो कक्षा अध्यापक। तो हम यहाँ किसे लिख रहे हैं, कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल नगर मैसूर, जैसे कि आप सुधा का पाठशाला वहाँ पर देख रहे हैं वही आपके कक्षा अध्यापक का भी पाठशाला है, यह सरकारी हाई स्कूल मैसूर यहाँ पर है। तो यह सेवा में, जैसे कि आपको वहाँ आधा अंक यहाँ आधा अंक दिया जाता है, तो यह लिखना दोनों विलास लिखना जरूरी है। तो यह या तो कक्षा अध्यापक लिखिए या तो प्रधान अध्यापक लिखिए, तो प्रधान अध्यापक सरकारी हाई स्कूल नगर मैसूर। फिर इसके बाद जो आता है हम क्या कहते हैं, इस नीचे के जो लाइन है वहाँ पर आदरणीय महोदय, तो हम यहाँ कन्नड़ में मान्य रहे कहते हैं और इंग्लिश में रिस्पेक्टेड सर कहते हैं। तो हम आदर से किसे लिख रहे हैं, अपने महोदय को लिख रहे हैं, आदरणीय महोदय। यह लिख कर इसके जो नीचे आता है वहाँ पर विषय लिखना है, तो विषय क्या है, 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, या 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए। आप जैसे लिखते हो वैसे लिखो, विषय लिखना बहुत जरूरी है। तो
तीन दिन की छुट्टी की प्रार्थना है तो अपने कक्षा अध्यापक को लिख रहा है, तो विषय लिखना बहुत जरूरी है। विषय को समझ में आना चाहिए कि तुम किसके लिए पत्र, कौन से कारण देकर पत्र लिख रहे हो। तो विषय है तीन दिन की छुट्टी। फिर उसके बाद जो आता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस विषय का विवरण यहाँ पर करते हैं। जैसे कि उपयुक्त विषय के संबंध में मैं आपसे निवेदन करता हूँ या मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि 4/6/2020 से 6/6/2020 तक क्या कीजिए, मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेना है, इसीलिए आप तीन दिन की छुट्टी देकर मुझे कृपया करके तीन दिन की छुट्टी देना है। ऐसा विषय यहाँ पर लिखकर फिर बाद में यहाँ धन्यवाद सहित लिखकर यहाँ आपका आज्ञाकारी छात्र अंतिम में लिखे, फिर यहाँ पर लिखिए स्थल और दिनांक। जैसे कि यहाँ पर दिनांक जो है वह लिखना है और यहाँ पर स्थल जो है वह यहाँ पर लिखना है। तो यह था अपने भाई के शादी में भाग लेने के। फिर यहाँ पर विषय, अगर आपको तबीयत ठीक नहीं है तो आप लिखिए कि उपयुक्त विषय के संबंध में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप मुझे तीन दिन की छुट्टी मंजूर करने की कृपा करें। यहाँ इतना विषय का विस्तार करना है। जैसे आपको विषय दिया है वह यहाँ आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों वहाँ आदांत, यहाँ आदांत, फिर ये दोनों मिलाकर आदांक, यहाँ पर दो अंक है, फिर जो विषय है उसे दो अंक, फिर यहाँ पर जो आप धन्यवाद सही लिखते हो, कन्नड़ में धन्यवाद अरुण दिए, इंग्लिश में थैंक यू कहते हो, फिर यहाँ पर अंतिम में आपका आज्ञाकारी छात्री रिस्पेक्टफुली ऐसे लिखते हो, तो यहाँ पर आधा और इसे आधा लिखकर एक, फिर कुल मिलाकर पांच अंक आपको यहाँ पर छुट्टी पत्र के लिए पड़ते है। तो यहाँ पर आपको पांच अंक सभी को आधा आधा, इसे एक, इसे दो और इसे एक अंक देते हैं। तो यह सब लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप आधा ही छुट्टी पत्र लिखेंगे तो आपको पूरे अंक यहाँ पर नहीं मिल सकते, तो आपको भी अंक यहाँ पर आधा ही मिलते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ था छुट्टी पत्र। और एक मैं आपको बात बताऊंगी, यहाँ पर जैसे अपने विषय देते हैं वैसे ही आप लिखिए। अगर शादी में भाग लेने के लिए जाना है तो यहाँ पर लिखिए कि मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन तीन दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो यहाँ पर ऐसे लिखिए, अगर आपको छुट्टी पत्र लिखना है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे तीन दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो यह था आपको तबीयत के बारे में भी और यहाँ पर कहाँ जाने का है शादी को, तो वह भी विषय जैसे आपको दिया जाता है आप वैसे यह पत्र लिखना है। तो विद्यार्थियों यह सिर्फ छुट्टी पत्र के बारे में ही मैंने आपको आज बताई हूँ। फिर यहाँ पर पिताजी को पत्र लिखना है शैक्षणिक प्रवास जाने के लिए, माताजी को पत्र लिखना है अपने आरोग्य बताते हुए या अपने पढ़ाई के बारे में बताते हुए, ऐसे भी विषय आते हैं। लेकिन जो आपके आठवीं कक्षा में जो पत्र पढ़ता है और आपके आठवीं कक्षा में जो पाठ है छुट्टी पत्र, तो सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर बताई हूँ। यह आपका पाठ भी है छुट्टी पत्र, यह आपका पाठ भी है, इससे विद्यार्थी छुट्टी पत्र लिखना जानते हैं या सीखते हैं इस पाठ का आशय। और यहाँ पर जब हम प्रेषक कहते हैं तो इसका प्रेषक यानी कि भेजने वाला, और आदरणीय जो कहते हैं यह आदरणीय, हम इसे गौरव से सम्मान से आदरणीय कहते हैं, और उपयुक्त विषय कहते हैं तो यह इसका अर्थ है कि ऊपर कहा गया। यहाँ पर अपने ऊपर सुधा है और जो सुधा का आठवीं कक्षा है और सरकारी हाई स्कूल है, तो यह जो है उपयुक्त विषय के संबंध, जो ऊपर विषय है उसके संबंध है। निवेदन करती हूँ का मतलब यहाँ पर हम
प्रार्थना करते हैं या आपसे कुछ मांग रहे हैं, फिर शादी के लिए जाना है या विवाह के लिए जाना है, फिर कृपा करके मतलब यहाँ पर दया करके, फिर यह जो है आपका छुट्टी पत्र है। ऐसे ही आप छुट्टी पत्र लिखोगे तो आपको यहाँ 5 अंक मिलते हैं। अगर इसमें से आप थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं, ऊपर का उतना 2 विलास जाकर नीचे कुछ भी नहीं लिखे तो आपको सिर्फ 1 अंक ही पड़ते हैं। अगर पूरा आप यहाँ पत्र लिखोगे तो आपको यहाँ पर 5 अंक देते हैं, आपको 5 अंक यहाँ पर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर यह जो पाठ है यह छुट्टी पत्र है। छुट्टी पत्र यहाँ पर कौन लिख रहा है यह भी आपको इस पाठ के मुताबिक प्रश्न आएगा। तो छुट्टी पत्र यहाँ पर सुधा लिख रही है। सुधा छुट्टी पत्र किसे लिख रही है यहाँ भी आपको यहाँ प्रश्न दिया गया है। तो सुधा छुट्टी पत्र अपने कक्षा अध्यापक को लिख रही है। सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? तो सुधा 3 दिन की छुट्टी यहाँ पर मांग रही है। सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? सुधा छुट्टी अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए मांग रही है। ऐसा यहाँ पर जो पाठ है यह पाठ भी है और साथ साथ में आप पत्र लिखना भी जानते हो। और यहाँ पर जो प्रश्न आए हैं 4 प्रश्न आपको पूछे हैं, तो 4 प्रश्न यह पाठ में ही है। तो यहाँ पर सुधा किसे पत्र लिख रही है, सुधा क्यों पत्र लिख रही है और सुधा कितने दिन की छुट्टी मांग रही है यहाँ पर लिखना है। तो और एक बार बता रही हूँ, यहाँ पर प्रेषक डालना जरूरी है। प्रेषक मतलब जो भेजने वाला है वह। यहाँ पर सेवा में किसे लिख रहे हो? कक्षा अध्यापक को। और कक्षा अध्यापक कर लिखकर यहाँ पर जो आपका पाठशाला है उसका नाम और गांव का नाम, उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं गौरव से आदरणीय महोदय, उसके नीचे जो है विषय लिख रहे हैं, विषय में कितने दिन की छुट्टी मांग रहे हैं और 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अंतिम में विषय के संबंध में आपसे निवेदन कर रही हूँ कि दिनांक यहाँ से यहाँ तक मुझे अपने शादी अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा कर लिखकर यहाँ पर धन्यवाद सहित लिखकर वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं आपका आज्ञाकारी छात्र लिखकर इधर यहाँ पर दिनांक और स्थल लिखना जरूरी है। जहाँ पर आप आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं उसी यहाँ पर लाइन पर हम क्या करते हैं इधर दिनांक और स्थल लिखते हैं और जो धन्यवाद सहित है यहाँ हम बीच में लिखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ तक आपका छुट्टी पत्र। आखिरी कक्षा के विद्यार्थी है ऐसे पत्र आप कक्षा अध्यापक को लिखिए, साथ साथ में प्रधान अध्यापक को लिखिए। ऐसे ही 2-3 पत्र आपको घर में लिखना है। साथ साथ में मैंने आपको यहाँ के शब्दार्थ भी बताया है, मतलब प्रेषक इसका अर्थ भेजने वाला, आदरणीय इसका अर्थ है गौरव, फिर उपयुक्त विषय के संबंध ऊपर जो विषय उसके संबंध निवेदन जो है यह है प्रार्थना, फिर शादी इसका मतलब है या इसका अर्थ है विवाह, फिर कृपा इसका अर्थ है दया, फिर अभिभावक यहाँ पर हम अभिभावक के हस्ताक्षर लेते हैं। जैसे कि छुट्टी पत्र जब आप अपने कक्षा अध्यापक को देते हैं या प्रधान अध्यापक को देते हैं तो आपके घर में जो माता पिता है उनके हस्ताक्षर लेकर आप छुट्टी पत्र देते हैं। तो यहाँ अंतिम में हम क्या करते हैं अभिभावक के हस्ताक्षर लेते हैं। तो अभिभावक का मतलब जो देखभाल कर रहा है, जो आपका रक्षा कर रहा है, वह माता पिता हो या भाई हो या आपके दूसरे कोई भी दादा हो या दादी हो, जो कोई भी उनके हस्ताक्षर यहाँ पर ले आना बहुत जरूरी है। तो अंतिम में हम क्या करते हैं अभिभावक के जो हस्ताक्षर है वह डालते हैं। तो विद्यार्थियों यह आपका छुट्टी पत्र है। तो आत्मीय विद्यार्थी एंटे वर्गदली छुट्टी पत्र ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರದ ಏನಂದ್ರೆ ರಜೆ ಪತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗ ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರೀತೇವೆ ನಿಮ್ಗ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ಒಂದ ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕದವು ನಿಮ್ಗೆ 8, 9, 10 3 ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಈ ಪತ್ರ 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ
अगर सरकारी शाले मैसूर इतना सेवा मेल्ते मुख्योपाध्याय स्कूल अथवा वर्ग शिक्षक स्कूल आदरणीय महोदय आदरणीय महोदय लाइन के लाइन सेम लाइन विषय बरते विषय सल बरस रजे बेडवा हिंदी तीन दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु के तीन दिन की छुट्टी मांगते अंतर पूर्ण उपयुक्त विषय संबंधित मेलन विषय नम अद्वे सहोदर मद्वे हम इष्ट दिन नाकु आर सविद इपत् आर अथवा एर सविद इपत् वे दिवस नन रजयन को विषय बरते अदर के सेंटर नडव धन्यवाद सहित अंतरि आम अल्ली तम विश्वासिक आपका आज्ञाकारी छात्र अथवा आपके आज्ञाकारी छात्र अंत हाकिर बरती अद्वे दिन स्थल बरती बरदू अभिभावक सिग्नेचर तक ते तर सिग्नेचर तक बंदते वर्ग शिक्षक पत्र को अभिभावक अभिभावक अमग नोडो पालक यारूर सिग्नेचर तक निम्द रजे पत्र ऐति इष्ट बरद अंक अंक बरद्रे को कटमी प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर आप घर में या दोनों पत्रों को
मिलेंगे पांच अंक। तो यह आप आज का जो छुट्टी पत्र है इतना ही काफी है, तो आप इसे ही क्या कीजिए दो या तीन बार लिखिए। और भी मैं आपको समझाती हूँ कि एक छुट्टी पत्र लिखना है तो आपके जो पुस्तक है, जो आपका जो बुक है, उस पेज में क्या कीजिए, एक ही तरफ, एक ही आपका जो पेज है, एक ही पेज में आप क्या करना चाहिए इसे लिखना है। तो एक बार बताऊंगी, वहां पर प्रेषक है, यहाँ पर सेवा में, उसके नीचे आदरणीय महोदय, उसके नीचे विषय है, उसके नीचे विषय का विस्तार है, उसके नीचे धन्यवाद है, वहां पर आज्ञाकारी छात्र है, यहाँ पर दिनांक और स्थल है। तो यह जो स्टेप्स है इसे आप क्या कीजिए, याद कीजिए, तो आपको भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इतना यह बस ऐसे ही आपको यहाँ पर अभ्यास में दिया है, और मैं भी आपको आज पूरा होमवर्क दे रही हूँ कि यही पत्र यहाँ पर आप क्या कीजिए, प्रधान अध्यापक को लिखिए। तो यहाँ आपका आज का जो होमवर्क है वह है, क्या कीजिए, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर आप कक्षा अध्यापक को पत्र लिखे हैं यह निकाल कर यहाँ प्रधान अध्यापक डाले, तो यहाँ प्रधान अध्यापक को एक पत्र हो जाएगा। तो यही आपका प्रधान अध्यापक के नाम का भी एक पत्र ऐसे ही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शादी में भाग ले रहे हैं, तो प्रधान अध्यापक को तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर लिखिए। तो यह दोनों पत्र आप घर में लिखकर हमें भेज दीजिए, तो आपके पहला जो व्याकरण है वहाँ पर यह पत्र भी आएगा, फिर व्याकरण बुक में, फिर आपका जो पाठ है छुट्टी पत्र वह भी हो जाएगा, साथ साथ में इसके जो प्रश्न उत्तर है वह भी लिखिए। धन्यवाद।